हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और आज मैं क्लास इस वीडियो में क्लास सेवेंथ का चैप्टर थर्ड फाइबर टू फैब्रिक का नेक्स्ट वीडियो है सिल्क के बारे में, हिस्ट्री का है कि सिल्क फॉर्म की हिस्ट्री, सिल्क के कपड़े की हिस्ट्री क्या है, तो आज हम इसको देखेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था कि कैसे हम सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करते हैं, उसका आधा पोर्शन पढ़ा था, आधा हमने इस वीडियो में डाला था क्योंकि वो हमारा वीडियो काफी लेंदी हो रहा था तो हमने इसमें आधा डाल दिया था। और आपको जैसे ये चीज तो पता होगी कि मेरे चैनल पे एकेडमिक के अलावा जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है, सीबीएसई रिगार्डिंग, एनसीईआरटी रिगार्डिंग, डेट शीट और जॉब की वैकेंसी वगैरह, गवर्नमेंट जॉब के जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो सब मैं वीडियो को पोस्ट करती हूँ। और मेरा अपना फेसबुक पेज भी है और फेसबुक का ग्रुप भी है, तो आप लोग का फेसबुक ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिसको इमीडिएट डालना होता है और मैं वीडियो बना नहीं पाती अगर यूट्यूब के लिए, तो मैं फिर वहां पोस्ट कर देती हूँ। तो मैंने इन तीनों प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट किया है ताकि आपको जो सुटेबल लगे आप जहाँ चाहे वहां से इंफॉर्मेशन ले सके। तो अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें अच्छा लगता है कि वट एवर वी आर डूइंग फॉर आवर कम्युनिटी तो वो सक्सेस, उसमें हम सफलता हमें मिल रही है। तो अगर हमने कुछ कम्युनिटी के लिए बनाया है तो शायद आप लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि अगर व्यूअर हमें अप्रिशिएट नहीं करेंगे हमारे तो फिर इसका मतलब नहीं है वीडियो का, किसी भी वीडियो का। अगर हम कम्युनिटी के लिए बनाए हैं और आप ही को पसंद नहीं आ रहा है तो हमें ये कैसे पता चलेगा? तो हमें जो भी हमारी कमियां हैं तो उसके लिए आप कमेंट दीजिए, हम कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और वीडियो अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर हम कंटेंट अपना शेयर करते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसके पहले हमने पीछे तक देख लिया था वुमेन का क्या रोल है सिल्क इंडस्ट्री में। हमारा अगला है फ्रॉम कोकून टू सिल्क हम कैसे बनाते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ आर रियर्ड, मॉथ को क्या किया जाता है, रियर्ड किया जाता है। आपको पता है कि रियर्ड करने को, सिल्क के मॉथ को रियर्ड करने को और सिल्क ऑब्टेन करने को, रियरिंग ऑफ सिल्क फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, उसे सेरिकल्चर, ठीक है। तो उस मॉथ को रियर्ड किया जाता है एंड देयर कोकून आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। कोकून के ऊपर ही तो वीविंग होती है सिल्क थ्रेड की, तो हमें कोकून स्टेज में ही सिल्क वॉर्म को निकालना होता है। तो उसमें ऐसा होता है कि जब कोकून स्टेज में सारे सिल्क वॉर्म पहुंच गए हैं तो उन्होंने अपनी वीविंग स्टार्ट कर दी अपने बॉडी के चारों तरफ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो पहले तो सॉफ्ट था लेकिन जैसे वो एयर के एक्सपोजर में आया तो वो हार्ड होते गया वो थ्रेड, क्योंकि वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। फिर हमने देखा आधे कोकून को तो हमने क्या किया, निकाल लिया सिल्क वॉर्म के थ्रेड के लिए और आधों को छोड़ दिया ताकि वो फाइनल मॉथ बन जाए, फाइनल जो है सिल्क वॉर्म बन जाए। नहीं तो अगर हम सभी को अगर मार देंगे और सभी को किल करके सिल्क वॉर्म लेंगे तो फिर अगला मॉथ कहां से आएगा। तो हम कुछ को तो छोड़ देते हैं और कुछ को हम इसी स्टेज में बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको देखिए आगे हम पढ़ेंगे। रियरिंग सिल्क वॉर्म, अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम। एक बार में फीमेल सिल्क मॉथ आपको पता है 100 से भी ज्यादा एक अंडे देती है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्राइप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर, और उनको बड़े ध्यान से पेपर पे रखना होता है। और ये हमारा एक तरह से जैसे फार्मर जो होते हैं जो सिल्क का रेयरिंग करते हैं तो हम उसको फार्मर को सेल कर देते हैं। जैसे खेतों के लिए फार्मर क्या करते हैं, अनाज का बीज खरीद के लाते हैं, तो ये एक तरह से उनके लिए सिल्क वॉर्म का बीज है। उसके बाद हमने क्या किया, द फार्मर कीप एग अंडर हाइजीनिक कंडीशन। अब फार्मर ने उसको बहुत ध्यान से रखा एंड अंडर सुटेबल कंडीशन, और कंडीशन भी सुटेबल रखा ताकि एग भी जो है एग है वो खराब ना हो, और उसको जो है कंडीशन उसके अनुसार टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेंटेन किया गया। द एग्स आर वॉर्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग। अब लार्वा को निकालने के लिए उसको थोड़ा सा वॉर्म किया जाता है, थोड़ी गर्मी दी जाती है। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप लीव्स, ठीक है। ये मलबरी का पेड़ है, यहाँ पे जब फ्रेश पत्ते आते हैं तब किया जाता है क्योंकि उनको फिर खाना अच्छे से मिल पाता है। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनोर मसली इन साइज।
वो बहुत ज्यादा साइज में ग्रो करने लगते हैं, वो पत्ते लीफ जब खाना शुरू करते हैं तो बहुत ज्यादा वो ग्रो करने लगते हैं। ये आप देखिए, फीमेल सिल्कवॉर्म ने अंडे दिया, उसके बाद हमने क्या किया, इसको मलबरी ट्री पे इनको डाला। जब ये पत्ते ये खाने लगे तो इनसे ये लार्वा निकला, और लार्वा ने जब वीविंग स्टार्ट की तो कुकून बन गया, और इसी कुकून को हम क्या कर रहे हैं, इसी कुकून को हम बॉईल करके सिल्कवॉर्म ले रहे हैं। तो फार्मर का काम क्या है, फार्मर अपना ये पूरा कुकून जो है यूज कर लेता है, और फिर अगले साल वो जाके बीज खरीद लेगा इसके अंडे को, ठीक है। लेकिन जो दूसरा, जो दूसरी पार्टी होती है जो अंडे बेचती है, वो क्या करते हैं, वो सिल्क नहीं निकालते, वो केवल मौत से अंडे निकाल के अंडे सेल कर देते हैं, और फार्मर क्या करते हैं, फार्मर इसमें से सिल्क निकालते हैं केवल। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन। डिस्कवरी सिल्क की कब हुई ये हमें नहीं पता है। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लीजेंड, द इम्प्रेस साइलुंग चाई वाज आस्क्ड बाय द एम्परर होंगटाई टू फाइंड द कॉज ऑफ डैमेज लीव ऑफ मलबरी ट्री ग्रोइंग इन देयर गार्डन। बहुत समय पहले राजा थे चाइना के, उन्होंने बहुत सारे मलबरी ट्री लगा रखे थे, तो देखा उन्होंने कि पत्ते उनके जो है ट्री जो है खत्म हो जा रहे हैं, खराब हो जा रहे हैं, खा लिए जा रहे हैं किसी से। तो उसके बाद द इम्प्रेस फाउंड व्हाइट वॉर्म सीटिंग ऑफ मलबरी, तब देखा कि कुछ व्हाइट कलर के कीड़े हैं जो मलबरी के पत्तों को खा जा रहे हैं। शी ऑल्सो नोटिस दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी कुकून, और उन्होंने ये देखा कि वहां पे क्या था, वहां पे शाइनी कुकून उनको फाइंड आउट हुआ। एक्सीडेंटली अ कुकून ड्रॉप्ड इनटू अ हर कप, और वो कुकून जो है वो कभी गार्डन में चाय पीने वगैरह गए होंगे, गर्म चाय होती है तो ऊपर से एक कुकून गिर गया, ठीक है। एंड टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड, और उसके बाद बहुत सुंदर सुंदर धागे के रूप में वो निकलने लगा अपने आप। तो सिल्क इंडस्ट्री का यहाँ से डेवलपमेंट हुआ, चाइना में कहा जाता है सबसे पहले हुआ, और केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर 100 ऑफ ईयर्स, और इसको बहुत सालों तक सीक्रेट रखा गया। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्री, फिर थोड़े दिन बहुत लोग जैसे है चाइना ने छिपा के रखा, लेकिन धीरे धीरे वो स्प्रेड हो गया। द रूट दे ट्रेवल इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट, और जिस रूट से वो ट्रेवल करके इंडिया या कहीं भी आए थे उसे सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सिल्क का जब कपड़ा लेके वो आए होंगे तो डिस्कवरी बताई होगी। फिर उसके बाद है द लार्वा आर केप्ट इन अ क्लीन बैम्बू ट्रे अलोंग विद फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने देखा कि जब ये लार्वा जो है वो क्या करने लगा, बियर अ फ्रेश क्रॉप लीफ, द लार्वी कॉल कैटरपिलर और सिल्क वर्म, खा खा के उसको बड़े होने लगे। उसके अलावा द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रे अलोंग विद फ्रेशली चॉप्ड लीव, फिर उसको निकाल के एक बैम्बू के क्लीन कंटेनर में रखा गया, उसको अंदर से कट करके उसमें चॉप्ड करके जो है मलबरी लीव्स को रखा गया, क्योंकि मलबरी लीव्स ही सिल्क खाते हैं। आफ्टर 25 और 30 डेज द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टाइनी चैम्बर, फिर कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और एक चैम्बर में जाके छिप जाते हैं। और बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कुकून, ठीक है, उसी में चैम्बर बना होता है बैम्बू में, उसी में जाके छिपके वो कुकून को वीविंग करने लगते हैं। स्मॉल रैक और ट्विग मे बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे इन विच कुकून गेट अटैच्ड, द कैटरपिलर ऑफ सिल्क वर्म स्पिन द कुकून इनसाइड विच डेवलप अ सिल्क मॉथ, और इसके बाद सिल्क मॉथ का डेवलपमेंट अंदर हो रहा होता है। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क अब कैसे है, अ पाइल ऑफ कुकून इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, द कुकून आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल और एक्सपोज टू स्टीम में बॉइल किया जाता है, द सिल्क फाइबर सेपरेटेड आउट, और बॉइल करने के बाद वो उसको छोड़ देते हैं, जो अंदर का कीड़ा होता है उसने उसको छोड़ दिया, डीअटैच हो गया वहां से, फिर हम सिल्क फाइबर को निकाल लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट ऑफ थ्रेड फ्रॉम द कुकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क, तो आप इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड From the cocoon for use as silk is called reeling of silk. Reeling is done in a special machine which unwind the thread or fiber of silk from the cocoon. ठीक है, एक अलग सा मशीन होता है जिसपे ये प्रोसेस होता है, सिल्क फाइबर are then spun into silk thread और कलर वगैरह करके उसको फिर हम क्या करते हैं, उसको सिल्क का कपड़ा बनाते हैं। तो ये हमने देखा, हमारा हो गया। तो चलिए, एनसीईआरटी कंटेंट भी बहुत कम है तो हम उसको भी देख लेते हैं।
पहला क्वेश्चन है, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम. बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल, मेरी हैड अ लिटिल लैम हूज फ्लीक वाज व्हाइट एंड इसको आंसर दो. व्हिच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल, उसका स्किन के ऊपर जो हेयर होते हैं वो होता है. तो हम लिखेंगे स्मूथ हेयर ऑफ द बॉडी. व्हाट इज मीन बाय द व्हाइट फ्लीस ऑफ लैम, व्हाइट फ्लीस ऑफ लैम का क्या मतलब है, मतलब उसका जो व्हाइट कलर का उसका वो होता है, क्या बोलते हैं, हेयर होता है जिससे हम वूल बनाते हैं. इसके बाद द सिल्क सिल्क वॉर्म इज अ, चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये हम लिखेंगे, ये तीनों होता है. अ सिल्क वॉर्म इज अ कैटरपिलर अ लार्वा. तो लार्वा को ही हम सिल्क वॉर्म भी बोलते हैं और कैटरपिलर भी बोलते हैं. तो बोथ ए एंड बी, ठीक है. लार्वा को हम कैटरपिलर भी बोलते हैं और सिल्क वॉर्म भी बोल सकते हैं. तो बोथ ए एंड बी. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ईट वूल, इसमें से कौन सा नहीं करता है, याक करता है, कैमल करता है, गोट करता है, वूली डॉग, ठीक है. गोट भी करता है, याक भी करता है और डबल हम कैमल भी करता है. व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म. रियरिंग, रियरिंग मतलब मींस कि किसी भी एनिमल को पालना, रियर करना, उसे उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, रियरिंग बोला. और शेयरिंग मतलब शेविंग ऑफ हेयर ऑफ सम एनिमल फॉर वूल विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्किन इज कॉल्ड शेयरिंग, ठीक है. इसको मैं पीछे आपको स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ. ये आप यहां से लिख सकते हैं, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ. ये देखिए, ये आपका शेयरिंग का है डेफिनेशन. यहाँ से द फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग. तो आप यहां से लिख लेंगे शेयरिंग का, कि इसको हम शेयरिंग बोलते हैं. और हमारा अगला था रियरिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी एनिमल को अपने यूज के लिए उसको पालते हैं, रियर करते हैं, ठीक है, उसके खाने पीने का ध्यान रखते हैं. तो दैट इज कॉल्ड रियरिंग. हम इसमें लिखेंगे कि वी टेक केयर ऑफ सम एनिमल फॉर आवर बेनिफिट, तो उसको हम रियरिंग करते हैं, कहते हैं, ताकि हमें फ्यूचर में उनसे बेनिफिट मिले. अगला हमारा क्या था, नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सेरिकल्चर आपको, जिसमें कि रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर गेटिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. गिव बिलो द इन सीक्वेंस स्टेप ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ वूल विच आर द मिसिंग. शेयरिंग के बाद क्या आता है, याद है आपको. तो पहले में हमारा शेयरिंग दिया हुआ है, दूसरे में हम लिखेंगे, ये हमारा दूसरा फिलअप में आएगा, कोरिंग, ये हमारा दूसरा फिलअप में आ गया उसी क्वेश्चन का, ठीक है. और सॉर्टिंग दिया हुआ है, सॉर्टिंग के बाद तीन और डैश बने हैं, तो ये दूसरा में आ गया. सॉर्टिंग हमारा दिया हुआ है, मैं क्लियर कर दूं. अब सॉर्टिंग के बाद हमारा चौथा स्टेप है, फिर से निकाल लूं. द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर आर पिकिंग ऑफ, इसको लिखेंगे हम पिकिंग ऑफ बर्स. इसको क्या लिखेंगे, पिकिंग ऑफ बर्स. उसके बाद हमारा लिखेंगे, अगला लिखेंगे डाई, डाई करना डिफरेंट कलर में. और उसके बाद अगला लिखेंगे हम, इसके बाद लिखेंगे द फाइबर आर स्ट्रेटन कॉम एंड रोल इनटू यार, रोलिंग ऑफ इन यार एंड फाइनली वुवेन इनटू वुलेन क्लोथ. तो ये चार पांच चीजें हैं जो हम लिखेंगे. सबसे पहले तो हमने शेयरिंग की, फिर स्कोरिंग की, दूसरा हमने स्कोरिंग किया, तीसरा हमने सॉर्टिंग किया, चौथा में आप लिख सकते हैं पिकिंग आउट ऑफ जो है बर्स. और फिर इसको, या फिर वॉशिंग, दोबारा से ड्राइंग और वॉशिंग भी होता है, तो ये भी हम लिख सकते हैं कि दोबारा से हम इसको स्कॉर्ड अगेन एंड ड्राई, मतलब फिर से वॉश किया जाए और ड्राई किया जा सकता है. तो ये तीनों एक साथ लिखेंगे, फिर अगले में लिखेंगे डाइंग इन डिफरेंट कलर, डाइंग इन डिफरेंट कलर. फिर उसके बाद अगले में लिखेंगे स्पन और वुबन, वुमेन, ठीक है. फिर उसकी वीविंग होती है, तो हम इसको पांचों में ऐसे अलग अलग लिख लेंगे.
तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पे शेयरिंग के बाद स्कोरिंग होगा, यहाँ पे स्कोरिंग लिख लेंगे, हम स्कोरिंग लिख लेंगे। सॉरी मैं पेन निकाल लूं, हम यहाँ पे लिखेंगे स्कोरिंग, SCOU स्कोरिंग लिख लेंगे। फिर उसके बाद सॉर्टिंग लिखेंगे, सॉर्टिंग के बाद मतलब छांट वाट करने के बाद हम उसको डाई करते हैं, डाई लिख लेंगे, डाइंग करते हैं। फिर उसको हम क्या करते हैं, डाई करने के बाद डिफरेंट कलर में उसको क्या करते हैं, उसको हम रोल करते हैं, सीधा करते हैं, सीधा करने को स्पिनिंग करते हैं। फिर उसको हम क्या करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, स्ट्रेट करके उसको यार्न में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद लास्ट में वीविंग करते हैं, उसकी स्पनिंग या वीविंग करते हैं। ये हमारा स्टेप हो गया, ठीक है। तो ये हम क्लियर कर दें। क्लियर करने के बाद हमारा अगला, मेक अ स्केच ऑफ द टू स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ विद आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। हाँ, तो इसमें आप लाइफ स्टेजेस में आपको पीछे का मैंने पिक्चर बताया था, वो आप देख लेंगे। लाइफ हिस्ट्री में आप ये वाला पिक्चर बना जाएंगे, पूरी लाइफ हिस्ट्री है इसमें, दिस वन आप इसको बना लेंगे और आपका ये क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम बनाना है, अगला हमारा है, इसको मैंने क्लियर नहीं किया, फिर से इसको क्लियर कर दूं। अब ये हमारा अगला है, अगला हमारा लिख लिया हमने, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर टू टर्म रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, सेरिकल्चर है, तो एक सेरिकल्चर है और पहला मोरिकल्चर, एपिकल्चर तो फिश का होता है, फ्लोरिकल्चर फ्लावर का होता है, और अगला हमारा है। तो यहाँ पे देखिए आपका हिंट भी दिया है, इसमें मोरिकल्चर जो है वो आपका मलबरी ट्री से रिलेटेड है, और मलबरी ट्री आपका उससे रिलेटेड है, सेरिकल्चर से रिलेटेड है। तो ये सेम है, सेरिकल्चर और मोरिकल्चर। तो साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी का नाम है मोरस एल्बा, तो इसे हिंट आपको दिया है। दूसरा हमारा मोरिकल्चर है, मैचिंग करना है, स्कोरिंग में क्या करना है, मलबरी लीव्स में क्या करना है या कोकून में क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे मलबरी लीव्स, तो हमारा हो गया फूड ऑफ सिल्क, सॉरी ये मैं निकाल लेती हूँ पेन, मलबरी लीव्स हो गया फूड ऑफ सिल्क, या हो गया ये स्कोरिंग हो गया आपका क्लीनिंग ऑफ शेयर्ड स्किन, ठीक है, याक आपको हो गया वुल एल्डिंग एनिमल, कुकून हो गया इल सिल्क फाइबर, ठीक है, ये कुकून से हमें क्या मिलता है, सिल्क फाइबर मिलता है। तो हम इसको क्लियर कर दें। तो हमने इसको क्लियर कर दिया। और एक चीज मैं आपको और बताना चाह रही थी, पीछे ले गई थी मैं आपको, स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ, देखिए हाँ यहाँ पे ये आपका है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट ऑफ थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज, ये रीलिंग ऑफ सिल्क भी है, तो मैं वही दिखाना चाह रही थी, इसीलिए मैं स्क्रॉल अप करके उसको ले गई थी। तो यहाँ पे हम कोकून में जो है इल्ड सिल्क फाइबर, ठीक है, कोकून तो करता भी है, ये भी हो सकता है, और इसका क्लीनिंग, सॉरी इसका ये दूसरा वाला जो है रीलिंग, रीलिंग प्रोसेस भी होता है, कोकून से ही रिलेटेड है, तो हम दोनों इसको लिख सकते हैं, इसलिए मैं ऊपर ले गई थी। अब आपका ये लास्ट है, पजल दिया हुआ है, पजल में आपको, पजल के बाद आपका कंप्लीट हो रहा है, पजल हम देख लेते हैं, पजल में क्या है हमारा, इसमें पहला हम क्या डालेंगे, हम पेन निकाल लेते हैं, उसको और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, पहले में हम डालेंगे स्कोरिंग, SCOUR, दूसरे में हमने डाला सिल्क, ये हमारा क्या हो गया, हिंट दिया हुआ एनिमल फाइबर सिल्क है, तीसरा क्या है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो तीसरा हमारा हो गया फाइबर, FAI, FI, BR,
बॉक्स जहां ब्राउन आ जा रहा है वहां क्लोज है फाइबर, ठीक है, ये हमारा हो गया। अगला है हमारा टू ए, हम इसको देख ले, कीप वार्म। ए ए ए हमारा कहां कहां है, वन का ए, तो ये हमारा यहाँ भरेंगे वूल, वूल हमें वार्म रखता है, ठीक है। इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वर्म। टू 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 किधर है, मलबरी, एम यू एल बी है यहाँ पे, मलबे आर 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 मलबेरी लीव्स, ठीक है। और हैचेस फ्रॉम एग टू मॉथ, थर्ड ए कैटरपिलर, तो यहाँ हो जाएगा सी ए टी ई, पहले से आ गया, ये फाइबर का ही है, ये फाइबर का ही है, ठीक है। कैटर कैटर पी आई कैटर पी कैटर पिलर, ये हो गया हमारा कैटर पिलर। तो ये हमारा थर्ड लेसन कंप्लीट हो गया और ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी हो गया। तो आप इसको पढ़िए और स्टडी कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर